नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खबर आ गई है कि अभी अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा लगभग 75,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा कर दी गई है, जिसकी दोस्तों हम आपको पूरी लिस्ट दिखाने वाले हैं कि किस किस विभाग में कितने कितने पदों पर भर्ती आएगी। पूरी लिस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं किन किन विभागों में कुल मिलाकर 75,000 भर्तियाँ आने वाली हैं। दोस्तों, जो 500 माध्यमिक विद्यालय हैं उन्हें उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत किया गया है, जिससे अकेले शिक्षा विभाग में ही आपके 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों, पूरी लिस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे आप जरूर दबा दीजिए। और दोस्तों, यदि हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर दिया हुआ है कि गहलोत ने बजट में खोला भर्तियों का पिटारा। तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि सीएम ने कहा कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने की हमारी प्राथमिकता है और जिसके चलते विभिन्न विभागों में 75,000 पदों पर इस वर्ष भर्तियां की जाएंगी। इन भर्तियों की हुई है घोषणा। आप यहां पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में आपके 26,000 पदों के लिए भर्तियां होंगी, जिसमें आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यहां तक कि आपके जो रीट की भर्ती है वह आपके आरटेट के नाम से जल्द ही आएगी। फिर दिया हुआ आपके एनर्जी में आपके 9,000 पदों पर भर्ती होगी। फिर पीएचडी में आपके 1,400 पदों पर भर्ती होगी। ग्रामीण विकास में आपके 5,000 पदों के लिए भर्ती होगी। ग्रामीण विकास यानी आपके जो पंचायत में होते हैं पटवारी या ग्राम सेवक, इनमें आपके 5,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। फिर दिया हुआ आपके 4,446 पदों पर आपके कृषि के अंदर भर्तियां होंगी। फिर 750 आपके आईटी के अंदर भर्ती होंगी। 800 भर्तियां आपके मेडिकल के अंदर होंगी। 15,000 पदों के लिए आपके हायर एजुकेशन में भर्ती होंगी। तो 15,000 पद हायर एजुकेशन के अलग हैं और शिक्षा विभाग के 26,000 पद आपके अलग हैं। फिर दिया हुआ है 1,000 स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट में भर्ती होंगी और 1,500 आपके फॉरेस्ट विभाग में भर्ती होंगी। 1,470 आपके होम में होंगी। इसके अलावा 4,000 एनर्जी में, 9,000 पीएचडी में, 1,400 आपके पीडब्ल्यूडी में। इसके अलावा आपके जेएनके में 1,305 भर्ती हैं। फिर डब्ल्यूआरडी में आपके 2,000 हैं। ग्रामीण विकास पंचायती राज में आपके 5,160 ये भर्ती आपके अलग है। फिर ट्रांसपोर्ट में आपके 104 भर्ती हैं। सोशल जस्टिस एवं एनवायरमेंट में आपके 250 पदों के लिए होगी। फिर दिया हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट में आपके 300 पदों के लिए भर्ती होगी और मेडिकल एजुकेशन में आपके 269 पदों के लिए भर्ती होगी। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग 75,000 पदों का यहाँ पे वर्गीकरण दिया हुआ है और ये दोस्तों न्यूज अभी कुछ ही देर पहले की है। और दोस्तों, इसके अलावा पूरी खबर आपको कल के न्यूज़पेपरों में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।